अरमानदीप सिंह जी, अरमान जी की कहना चाहोगे कि गोल्ड मेडल लेके आए हो स्टेट? जी बहुत खुशी हुई कि साड़ी मेहनत का फल मिला सानू, कि काफ़ी मेहनत की सने तो मैच दे विच काफ़ी बढ़िया खेडे दोनों खिलाड़ी, मेरा ओपोनेंट भी, तो लेकिन जी मेरा गोल्ड आया तो घरदिआं नूं बड़ी खुशी हुई, उन्होंने भी बहुत हौसला दिता। कितने खेडन गए सी? जी मोहाली च होया सीगा। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ? ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਰ ਬਾਰੇ? ਕੋਸਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਲਿੰਬੂ ਹੈ ਜੀ। क्या कहना चाहोगे, आप गए थे स्टेट में गोल्ड मेडल लेके आए हो, किस तरह का कंपटीशन है? जी मैं स्टेट में चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे थे, रेफरी भी बहुत अच्छे थे, वहाँ पे एक काफ़ी फेयर प्ले हुआ हमारा और हमारी प्ले भी बहुत अच्छी हुई, मैच भी बहुत अच्छा हुआ हमारा, कॉम्पिटेटर भी बहुत अच्छा मिला था वहाँ पे, अच्छा इंतजाम किया हुआ था। हम नेशनल्स के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं और मैं पहले भी एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ, मैं पहले नेशनल में गोल्ड आ चुका है जी मेरा, और इस बार स्टेट में खेल के बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरे मदर फादर भी जो थे वो भी मेरे ऊपर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, मेरे मतलब पड़ोसी वगैरह थे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी कॉल करके मुझे काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन दिए जी, मतलब काफ़ी वो किया, मेरा प्रेज़ किए, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ पर। लोकेश मेहरा, की कहना चाहोगे, कितने साल की उम्र है, कितने कंपटीशन करने हैं? मेरी उम्र 11, मैं कुछ कंपटीशन गया सी चंडीगढ़, मेरा ओपोनेंट मोहाली तो सीगा, बहुत अच्छी फाइट रही ते रेफरीज बहुत अच्छे सीगे, मेरे घर दे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, मेरा मैं पहला भी इंटरनेशनल चैंपियन रह चुकिया सीगा, पहला भी मेरा इंटरनेशनल गोल्ड आया सी। असी लखनऊ खेल के आए सी इंटरनेशनल। जे गल करी जावे डाइट दी ता किन्नी का हार्ड प्रैक्टिस हुंदी है, किन्नी डाइट दी जरूरत पैंदी? डाइट ता ओही जी पनीर दही, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क कीता सीगा ताही जाके आ एक तगमा लिता गोल्ड मेडल दा। हां जी, मेरा नाम राज मेहरा सर। की कहना चाहोगे बच्चे गोल्ड मेडल लेके? सर मैनू बहुत खुशी है भी बच्चे मैं जो मेहनत करा रहे हैं तो वो खरा उतरे हैं, मेरा जान तो पहले ही मोहाली जो असी जाना सी मैं पहले ही बच्चों प्रूव करके लै गया सी भी जो आप जा रहे हैं जिस टीम लैके तो अपना घट्टो घट कोशिश हो इतने साढ़ा पंजा का ही गोल्ड मैडल आए, तो जे परमात्मा की कृपा ना जो जो मैं सोचना तो उही उही हों, बस आपू सरकार ये बेनती है भी सरकार सानू कोई सहयोग दे, सानू कोई अजे फार्म दे साडा भी जिदे असं गेम करिए सानू गेम ईजी हो, सानू कोई छोटा ट्रैक मिल जाए या कोई ग्राउंड मिल जाए असं उत्थे वधिया तरीके नाल गेम करा सकीए तो सानू बेनीफिट मिलिए, तो सर मैं इहदे नाल नाल मैं इंटरनेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं सर, इंटरनेशनल दे विच मेरा सिल्वर आया थी, नैशनल दे विच मेरा गोल्ड आया थी, तो कड़ी मेहनत तो बाद तो मैं बच्चों को बहुत मेहनत करा रहा है, तो मैं सिर्फ सरकार अगे यही बेनती करदा कि मैनू कोई ना कोई ट्रैक दिता जाए जिन्हां बच्चों का भविख उलझे बना सकां तो बच्चे नशे तो दूर रहन। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਮਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 8-10 ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਗੱਗੜਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਗਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦਹਿ ਕਲਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਮੇ ਗਣੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ 3-4 ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨੋਈ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਭੇਜੀ ਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੰਗਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।